कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस बात को पूरा करने में जुटा है बुलंदशहर जिले की तहसील सिकंदराबाद के गांव सांवली के ग्रामीणों ने यहां पर पुस्तकालय बनाने की शुरुआत कर। यहां पर ज्ञान न्यूज की टीम के पहुंचने पर पाया कि नींव खोदने का कार्य हो चुका है चालू और ईंट रोड़ी बदरपुर रेत भवन निर्माण की सभी सामग्री है मौजूद। जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर गुर्जर ने बताया सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बनाया जा रहा पुस्तकालय, सरकार से नहीं ली जा रही कोई भी मदद। डॉक्टर अमित अधाना ने बताया सभी उम्र के बच्चों के पढ़ने के लिए निःशुल्क उपलब्ध होंगी यहाँ पर किताबें। मौके पर मौजूद नकुल ने बताया सिर्फ भवन की लागत में 14 लाख रुपए का किया है आकलन। मौके पर सत्येंद्र, रोहित, सचिन, ब्रजेश, मास्टर जी, दीपक, गौरव, दीप, चिंटू, अयूब, शोभित, मनीष, यशवीर, बीटीसी रहे मौजूद। काश जज्बा हरेक गांव में मौजूद हो तो देश में निरक्षरता का प्रतिशत हो जाएगा शून्य। ज्ञान न्यूज सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में इस समय हम खड़े हैं गांव सामली में, जहां पर एक बहुत बड़ा उदाहरण यहां के ग्रामवासियों द्वारा दिया गया है। जैसा कि हमारे देश में इससे पूर्व भी इसी तरीके के बहुत एग्जाम्पल मिल चुके हैं, जिसमें कि कहीं आपने सुना होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा कि कुछ गांव वालों ने परेशान होकर जो कि काम सरकार का होता है अपने परिश्रम से और अपने ही धन को व्यय करके कुछ सड़क बनाई, कुछ किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। इसी तरह का एक उदाहरण और मिलता है कि कुछ ग्रामवासियों ने अपनी परेशानी को देखकर कुछ अपने पैसों खर्च कर खुद उसमें शारीरिक श्रम दे करके एक पुल बनाया। इसी तरह का एक उदाहरण हमारे बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र गांव सावली में मिला है, जो यहां पर एक जो मंदिर पड़ता है वहां पर ये गांव वाले आपस में मिलकर एक पुस्तकालय का लाइब्रेरी का निर्माण करवा रहे हैं, जो कि उसका पूरा खर्चा ये ग्रामवासी स्वयं वहन कर रहे हैं, किसी अन्य से या सरकार से इसमें कोई सहायता नहीं ली जा रही है। और यहां पर हम इस समय गांव में खड़े हैं और मेरे पीछे यहां के जो सहयोगी हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, सब खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि किस तरह इन्हें इस चीज की प्रेरणा मिली और इसका कार्य शुरू हुआ। मैं अभी नाम आपको जानना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो शुरुआत हुई है यहाँ लाइब्रेरी की, तो इसकी शुरुआत किस आदमी से हुई, किसकी सोच से हुई? देखिए यहाँ पर सभी ग्रामवासी आपस में इकट्ठा हुए, सभी ने आपस में मिलकर ये फैसला लिया कि यहाँ पुस्तकालय का निर्माण होना चाहिए, जिससे गांव का युवा आगे बढ़ेगा, गांव के भाई बहन बेटी सब आगे बढ़ के शिक्षित होंगे और वो एक नया मुकाम हासिल करेंगे। मैं भैया आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम नकुल कुमार है। मैं इसी को सवाल को फिर से आपसे दोहराना चाहूँगा कि किस दिमाग की उपज है ये जो आपका कार्यक्रम शुरू हुआ? गांव में हमारे आसपास में चल रही कुरूतियों को देखते हुए ये सभी गांव वालों ने सोचा है कि भाई हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें, एक साथ बैठ करके पढ़ें लिखें, उसके उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे सभी आसपास के जितने भी भाई हैं हमसे जुड़े हुए हैं, तो सबको हमने आइडिया दिया पहले, उसके बाद में सभी ने कहा है कि भाई लाइब्रेरी गाँव वाली है गाँव में कुछ काम है। तो मैं भैया आपका नाम देना चाहूँगा। मेरा नाम ब्रजेश है। और इसके लिए जो आपने ये प्रयास शुरू किया है, तो धन संग्रह जो हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन लोग इसमें भाग लेते हैं? देखिए ये जो विचार आया है सभी ग्रामीण लोगों के विचार से, जब जैसी परिस्थिति बढ़ रही है एजुकेशन को लेकर, उस परिस्थिति को देखकर सभी ने देखा कि गांव की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, शिक्षा के मामले में तो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हालात है। तो जब एक प्लानिंग हुई कि हमारे मुकाबले शहर के लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी लोगों ने संगठित होकर विचार किया कि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर बैठ करके बच्चे पढ़ें और आपस में मिलकर बातचीत कर सकें और जहाँ पर हम लोग भी मिलकर उनका मोटिवेशन कर सकें। बात आई फंड की, तो फिर इस मामले में सबसे पहले जमीन की जरूरत हमें पड़ी, जिसमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे गाँव के लोग हैं, उन सभी ने कोशिश करके संगठित होकर के हमें एक जमीन प्रोवाइड कराई और एक जमीन चिन्हित करके हमें दी। अब बात पैसे की आई तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, जिससे जितनी भी मदद हो पा रही है सभी लोग इस मदद को कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी काम पूरा हो जाएगा, जिससे कि हमारे बच्चों के जो सपने हैं वो तो बहुत जल्दी से पूरे हों और हर एक लोग इसमें मेहनत कर रहा है पूरी तरह से, हम लोग भी इसमें जो भी हमसे हो पा रहा है कर पा रहे हैं, उम्मीद है जल्दी से चीज़ें पूरी होंगी। धन्यवाद। एक मिनट के लिए बंद कर दीजिए। हम कहना चाहूँगा, मेरा नाम है रोहित पूजा। तो जैसा कि लॉकडाउन में देखने में आ रहा है कि स्कूल वगैरह बंद हो चुके हैं,
और ऑनलाइन जो है क्लासेस चल रही है, तो उसके लिए अभी कोई आपके यहाँ पर प्लान है बच्चों के लिए? ऑनलाइन क्लासेस से जो बच्चे स्कूल में जाके पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ाई तो मिल नहीं पा रही उन्हें, पर बाकी कोशिशें की जा रही है, पेरेंट्स लगे हुए हैं पढ़ाई के लिए और ट्यूशन वगैरह से चल रहा है, तो कुछ होगी कुछ थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन जो पढ़ाई स्कूल में जाके मिल रही थी वो नहीं मिल पा रही है। उसी वजह से हम सब लोगों ने मिलकर जो भी स्टार्ट किया है लाइब्रेरी का, तो ये जो कि सारे बच्चे एकत्रित होकर और कुछ अपने हमारे स्कूल में टीचर हैं वो सब आके यहाँ पढ़ाएंगे। भैया मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं एक जो मैंने भैया से सवाल किया कि ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब मेरा ये है कि कुछ आज फॉर्मेट आजकल के कोई काफी जो एजुकेशन के जो चीजें आ गई हैं, तो उसके लिए अभी शुरुआत अभी नहीं कह रहा मैं, अभी तो सबसे पहले निर्माण होगा, किताबें आएंगी, बहुत सारी फर्नीचर है, बाद में कुछ लैपटॉप आदि इस तरह का कोई आपके यहाँ प्रोग्राम है? सर अभी शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ किया जाएगा, अभी नींव रखी गई है हमारे पुस्तकालय की, आगे चल के जितनी कोशिश करी जाएगी गांव के सहयोग से, जिससे भी पूरे संगठन से हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं कि लैपटॉप वगैरह ऑनलाइन सेशन सब कुछ कोशिश करेंगे पूरी तरह से हम अपने पुस्तकालय को दे सकें, और इससे तो बेटर कुछ है ही नहीं सर। जितनी बच्चों को आगे आने वाले बच्चों जो हमारी अशिक्षित शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जितना प्रयास गांव से हो पाएगा, चाहे कोई ऊंचे लेवल पे है चाहे निम्न स्तर पे है, सभी लोग हम मिलकर कर रहे हैं, उससे जितने ही भी शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी, तो इसी वजह से हमने पुस्तकालय की शुरुआत की है। भैया मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम दीपक राणा है। भैया मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे टोटल ये ग्रामीण क्षेत्र है और कृषक आधारित क्षेत्र है, तो लगभग सभी किसान ही हैं यहाँ पर, तो जब इस विषय की बात यहाँ पर चली तो उन आपके ग्रामीण जो हैं उनका इसके प्रति क्या भाव था, क्या रवैया था? जब ये विचार हम ही सभी के लोगों के दिमागों में आया जो थोड़े से एजुकेटेड है और जो हमारे काम तो सरकारी जॉब्स पे हैं, तो हमने जब इन लोगों को बताया तो उनमें काफी उत्साह दिखा कि जैसे ट्यूशन की जो कालाबाजारी आजकल बाहर मार्केट में देखने को मिल रही है, हर जगह कोचिंग सेंटर्स खुले हुए पैसे में, तो ये जो कृषि क्षेत्र के जो लोग हैं ये सब नहीं बच्चों को दे पाते, इसी वजह से उन्होंने काफी उत्साह दिखा और उन्होंने हमारे साथ मिलकर पूरा कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वादा किया है, और जब तक ये काम पूरा होगा वो हमें हर तरह से हमारे साथ रहेंगे। भैया मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम जो अयूब खान है, और जी जो काम चल रहा है ये इसमें जो है ना सभी भाग ले रहे हैं और सभी तन मन धन से लगे हुए हैं। तो जैसा कि यहाँ हमारे ग्रामीण साथियों ने बताया कि वो इस योजना को लेकर पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं, और आर्थिक दृष्टिकोण हो या बाकी और भी सहायता हो या जो भी योजना इसमें होनी है उससे कोई ना कोई आदमी यहाँ पर हमेशा तैयार मिलेगा, बाकी पूरे गांव के यहाँ पर जो है भागीदारी इसमें दी जा रही है, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे जमीनी स्तर पर काम की शुरुआत हो चुकी है। काश ये जज्बा हर एक गांव में हो, हर एक ग्रामीण में हो, तो हमारा देश कहां से कहां पहुंचेगा। कैमरा पर्सन मनोज गौतम के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, ग्याम न्यूज सिकंदराबाद।